भाई आप लोग दूरी बना रहे हैं, रेखा से दूरी बना रहे आप लोग, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस फाइनल मैच में। और आपसी महोदय, यह खेल भी इतने मिनटों का खेला जाने वाला है, 25 मिनट, शुक्रिया, 25 मिनटों का यह मुकाबला होने वाला है। लाइन चेकर भाई, लाइन चेकर चारों कानों पर तैनात हो जाए, लाइन चेकर भाई, लाइन चेकर अपनी झंडिया हिला दे जहां खड़े हैं चारों कानों पर। इस टूर्नामेंट में परास्त होता है और कौन जीती विजय रथ पे सवार होती है। तो 25 मिनटों का यह मुकाबला पहला रेड होता हुआ पैसा चंपर के बीच द्वारा सात डिफेंडरों के अंदर में हर जो कोई यूपी के लिए आया है जर्सी नंबर पासा के लिए आया पिया कुछ नहीं नुकसान पिया अलग से यानी उसका भरपूर फायदा होता हुआ उनके सामने वाले के शाफिया के लिए 41 साल एक जीरो दिल का धार खुल गया वही शाफिया के लिए 41 साल का खाता खुल गया। तो तैयार जर्सी नंबर 5 में मिस्टर सुमित अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हुए दस्तक देते हुए अपने मेजबान टीम के कोर्ट में अजीबो गरीबो ढंग से पहरा और हाथ को टकमगाते हुए शिकार की तलाश में है पर फिलहाल खाली हाथ ही वापस एम्प्टी रेड अपने कोर्ट में पुनः वापस कर गए। तैयार एक बार जर्सी नंबर 4 रेड होता हुआ कब कब बच में हुक जा सदा तारा गुनगुनाता हुआ लाइन को क्रॉस किया साल डिफेंडरों के पीछे पॉइंट की तलाश में है अपने कार्य में बखूबी और लाजवाब। अब तक आपसी महोदय की बात करें रेफरी की बात करें तो अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ संजू सर और तमाम आपसी सफल रहे शायद कुछ चोट महसूस करते हुए रिजवान प्रधान क्लब करमैनी के जानिब से रीडर शायद कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे हैं कमर से अपने तो शायद उन्हें डगआउट की ओर ले जाया जा रहा है लेकिन इनके हौसले और जज्बे जुनून को सलाम करता हूँ जो कि इन्होंने अंतिम समय तक अपने मंजिल से अपने मंजिल को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मैंने पहले कहा कि दोनों टीमें सरदार की बाजी लगा देंगे इस टूर्नामेंट में भाई आप लोग भाई स्कोर हो गए 4-1 देखिए स्कोर महोदय ऐसी गलतियां ना करें 4-1 तो तैयार एक बार जर्सी नंबर 5 सुमित काफी लंबे चौड़े कट कर इधर चंचल निगाहें फुटी ले मदद से निकलते हुए पर अब तक खाली हाथ वापस 4-1 अभी भी 65 नंबर की टीम में तैयार एक बार जो कि 4 डिफेंडर क्वारंटाइन हो चुके हैं 3 डिफेंडर है बीच में तैयार एक बार चकमा दिया काफी करवटे बदलते हुए चकमा देते हुए और एयर किक का इस्तेमाल किया इन्होंने जरूर पर फिलहाल एयर किक का इस्तेमाल खाली खाली हाथ ही वापस अपने कोर्ट में जहां पर परिदर्शन 4-1 अभी भी इसको और मैं भी देख रहा हूँ दर्शकों के अंदर हर्ष उल्लास उत्साह वर्धन करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी तो 4-1 अभी भी रुका हुआ तैयार है एक बार पॉइंट की तलाश में जर्सी नंबर 4 वो लाजवाब रेड बॉम्ब फिसला उनका जरूर अपने आप को सुव्यवस्थित किया अपने आप को एकत्रित किया एयर किक का इस्तेमाल किया पापा काम रहे पूरी तरह तो एक बार
जर्सी नंबर 62 जो कि ये फाइनल मुकाबला चल रहा है, देखिए चकमा दिया जरूर बाएं साइड के डिफेंडर को जो जर्सी नंबर 4 में है, और डू और डाई यानी खतरे की घंटी बज चुकी है, डू और डाई करो या फिर मरो सुमित है उनके सामने, जो कि अब तक सुमित मैं देख रहा हूँ कि शायद तीसरा या चौथा दिन है इनका, अभी पॉइंट पाने में पूरी तरह नाकाम है। ये सिरे शहजादा जो कि साफिया क्लिनिक कारीसा से एक होनहार रिडर जिसके जुनूर पूर्ण सफलता अर्जित करने में सफल रहे, और मैंने जैसे ही कहा अब तक ये पॉइंट पाने में, दो और ढाई खतरे की घंटी बज गई एक बार और, तीन डिफेंडर एक लीडर जर्सी नंबर 3 में, अब तक इनका भी खेल काफी खूबसूरत रहा, सरधर की बाजी इन्होंने भी लगा दी, गलती कर बैठे और उस गलती का काफी आजाद भुगतना पड़ा, और उस गलती का एहसास उन्हें खुद हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठा, और उसका गलती का काफी आजाद भुगतना पड़ा साफिया क्लिनिक कारी साहब को, और उसका भरपूर इजाफा हुआ उनके मेजबान टीम जैसा कि 4-2 स्कोर अभी भी रुका हुआ और जैसे ही देवाला मुंह में जाने वाला ही था, तब तक कर मैंने ये खिलाड़ियों ने मुंह में से देवाला छीन लिया, तो फिलहाल अंकों का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में, स्कोर और महोदय स्कोर जा पहुंचा है 2-2 पटके जाएंगे, तो ये खेल ही है धर पकड़ का, कबड्डी जो खेल होता है हर एक खिलाड़ी अपने जान को दांव पे लगा के खेलता है, तो बहरहाल ये कबड्डी ऐसा खेल ही है काफी खतरनाक खेल है, तो दोनों टीम ने संघर्ष करते हुए स्कोरर महोदय और इस स्कोरर महोदय से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोगों को उतार के नीचे या फिर दूरी बना ले, थोड़ा दूरी बना ले आप स्कोर बोर्ड से जो आगे बैठे हुए हैं बाएं साइड, आप लोग दूरी बना ले फोटो वाले भैया, तो तैयार एक बार जर्सी नंबर 12 में 12 नंबर में अपने कारनामे को अंजाम देता हुआ सीधे से ज्यादा 10 दिन का फासला है, मैं देख रहा हूँ शाफिया क्लिनिक कारी साहब जिस हिसाब से सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में परास्त किया था अपने सामने वाले टीम रिजवान पठान क्लब करवैनी को, मैं देख रहा हूँ उस लय को अब तक बरकरार रखने में पूरी तरह नाकाम दिखाई पड़ती हुई, तो उसका भरपूर फायदा उठाती हुई और रिजवान पठान क्लब करवैनी इस गलती को जो सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में गलती किया इन्होंने, उस गलती जर्सी नंबर 4 में है रेड करते हुए 7 डिफेंडरों के बीच में बोनस के प्रयास की और बाएं साइड के कॉर्नर नंबर 4 के लिए और पूरी तरह से टिकल कर लिया गया, यानी टाइम आउट की बात है, और भाई आप लोग दूरी बना ले पीछे हो जाए दोस्त, आप लोग पीछे हो जाए, लाइन चेकर भाई इसका ध्यान दे, लाइन चेकर आप लोग अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे, थोड़ा धैर्य बनाइए हमारे प्रिय भाई हो और हमारे दर्शक बंधु, थोड़ा दूरी बना लिया आप लोग क्योंकि आप थोड़ा धैर्य बनाइए और कमेटी का साथ दीजिए, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला चल रहा है जिसके लिए आप ज्यादा व्याकुल हैं, काफी लंबे समय से रात में गाली से जो पिस्तौल लगाते हुए नजर आ रहे थे आप,
शुक्र गुजार हूँ आपकी कड़ी अथक परिश्रम से यह ये सुबह अब तक तो ये शांत दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब अपने तेवर का दरवाजा खोलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको क्या पहुंचा है वही साफिया क्लिनिक का हिस्सा की बात करें साफ तो वही अगर मैं और वही भी रीडर में बहुत जान है। सुमित इस समय सरधर की बाजी लगाते हुए काफी हवा में अपने हाथ पांव को टकबगाते हुए जैसे मछली पानी में थोड़ा सा जगह पाती है जाल से हट के बाहर जाने का रास्ता पाती है पानी में, ठीक उसी प्रकार ये शेर साहजादा ने उसी प्रकार अपने आप को टिकाला उस गली से और एक अंकर जीत करते हुए सफल नहीं रहा। 12-8 का फैसला देखिए ये हुंकार आ रहा है दर्शकों का सुमित सुमित लाजवाब दर्शकों के अंदर भी जुनून देखने को मिल रहा है सुमित के प्रति। क्या सुमित अपने दर्शकों के उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या नहीं, क्या अपने दर्शकों का दिल तोड़ेंगे या फिर दिल जीतेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बयान करेगा। तो बहरहाल सुमित और तमाम खिलाड़ी इस कार्यशाला के सर्जरी पर संघर्ष करते हुए और इस फाइनल मुकाबले में संघर्ष करते हुए तो एक शानदार मुकाबला चल रहा है, फाइनल मुकाबला चल रहा है। तराजू के दोनों पल्ले दोनों ओर अभी तक बराबर दिखाई तो जरूर पड़ रहे हैं। थोड़ा सा साफिया के लिए कार्यशाला का अंक तालिका 8 है, वही करमैनी रिजवान प्रधान क्लब करमैनी का अंक तालिका 12 है। अभी भी काफी समय बचे हुए हैं दोनों टीमों के पास, उलट फिर कर सकती है कोई भी टीम, तो तैयार है बाहर तीन डिफेंडर एक डिफेंडर कवच कवच के हुक्का लगाता हुआ दाएं से बाएं कांटर की ओर लकी को करीब ओर से चकमा देते हुए और पैर पास जैसे अंदर खतरे की घंटी बज गई। हो देखिए ये आवाज एक बार और ये साफ बता रहा है कि सुमित के ये लोग प्रशंसक हैं, ये बयान कर रहा है जो आवाज निकल रही है सुमित के लिए, जो आवाज निकल रही है बार बार सुमित सुमित की आवाज ये दिल जीते के लग रहा है ऐसा कि अपने दर्शकों का दिल देखिए भाई आपस में खिलाड़ी विवाद न करें, सुमित जी आपको जो कुछ भी अपील करता है आपके सामने आप सीएल महोदय हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं रेफरी महोदय से। तो मैंने आपको बताया कि खेल को खेल भावना की तरह से खेला जाए, भाईचारे का भावना का परिचय देते हुए खेल को खेलते हैं, क्योंकि ये दस्तूर निभाते रहना भाईचारे का दिया दिल में जलाते रहना खेल का है जंग का मैदान मेरे यारों दिल मिले न मिले पर हाथ मिलाते रहना। ये खेल को शायद दुआ नहीं तो तैयारी पापा जैसे नंबर 65 सात डिफेंडरों के पीछे यानी सातों डिफेंडर इस समय बाकी है अभी भी। भाई आप लोग ना बार बार अपील करें करें, कोई भी खिलाड़ी बार बार अपील न करे करे, इशारे के अंपायर के इशारे का सम्मान करे करे, एक खिलाड़ी होने का परिचय दे तो स्कोर अभी भी 12-9 पे रुका हुआ है। तो साफिया क्लिनिक कार्यशाला को और अंक मिलता हुआ करमैनी को रिजवान प्रधान क्लब करमैनी के अंक तालिका में एक अंक और जुड़ता हुआ। देखिए भाई आप लोग क्या क्या बात विवाद न करें, तो सोया
बीच में हमारी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑफिशियल की भी व्यवस्था कराई गई इस पूरे टूर्नामेंट में। थर्ड अंपायर भी है इस टूर्नामेंट में। तो भाई अब बताइए संजीव भाई कौन सही है? साफिया के लिए गाड़ी साथ दो और उन्हीं करवाने की बात हुई जाए रिजवान प्रधान गलत करवाने का अंक तालिका है 17-13 सुमित है। एक बार पुनः अब तक इन्होंने दर्शकों का दिल जीता है वही और समय रहते अपने कोर्ट में वापस हो गए और क्षेत्र परिवर्तन कर शायद ग्राउंड भाई आप लोग पीछे हो जाए लाइन चेकर भाई आप लोग इसका ध्यान दीजिए भाई लाइन चेकर आप लोग पीछे करिए तमाम दर्शक जो आगे बैठे हुए हैं मेरा नंबर आग्रह है कि आप लोग दूरी बना ले मेरे दोस्तों लाइन चेकर और कमेटी के सदस्य अगर इसका ध्यान दें कि जितने हमारे प्रिय तमाशाही दर्शक बंधु ग्राउंड के एकदम करीब बैठे हुए हैं रेखा से उनसे मेरा नंबर आग्रह है कि आप लोग दूरी बना ले भाई आपसे नंबर अपील कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग दूरी बना ले ताकि अब तक धैर्य बनाए रखिए आप लोग शांति पूर्वक इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाइए आप लोग दूरी बना लें। कमेटी के तमाम सदस्यगण से मेरा निवेदन है कि अपने कार्य को खूबी अंजाम दें और दर्शकों को बड़े प्यार से बड़े मोहब्बतों के साथ उन्हें बोलिए थोड़ा सा पीछे होने के लिए ताकि आप न चोटिल हो या फिर कोई खिलाड़ी न चोटिल हो जाए इसलिए कहा जा रहा है आप लोग दूरी बना लें। तो पहली पाली में अंक तालिका रहा वही शाफिया क्लिनिक कारिशा की बात की जाए ना तो वही रिजवान प्रधान गलत दे रहे हैं। तो भाई आप लोग दूरी बना ले भाई लोग हमारे खिलाड़ी बंधु या दर्शक बंधु हो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए भाई तो तैयारी पा छाए छठ नंबर पर जर्सी डबल सिक्स संदीप रावत तैयार तीन डिफेंडर के बीच इसमें चार डिफेंडर क्वारंटाइन हो चुके हैं तो तैयार है रीडर के लिए हमला किया दायां साइड के कार्नर पे खड़े डिफेंडर को चकमा दो जरूर दिया पर फिलहाल शायद उस चकमे में सफल होने में कामयाब है या फिर नहीं और खाली हाथों वापस जाना होगा शक्ति बरामद को तो 9-13 अभी भी रुका हुआ है। एक तरफ बाएं साइड बात की जाए रिजवान प्रधान क्लब कर मैंने 9 है तो वही सॉरी साफिया क्लिनिक 9 और वही कर्मैनी का अंक तालिका देखा जाए रिजवान प्रधान क्लब का तो 13 है अभी भी पल्ला भारी दिखाई दे रहा है रिजवान प्रधान क्लब कर मैंने का तो तैयार है बाबा जैसे नंबर 5 में सुमित है फुर्तीले वजन के हैं काफी चुस्त दुरुस्त और होनहार भी डर है साफिया क्रिकेट काली सा की जानिब से थर्ड में यानी डू और टाइम तैयार है बाबा चकमा और अपने इस चकमे ने कहां तक साबित होते हैं कहां तक सफल होते हैं अभी तो पॉइंट की भूख है इनको और और अंक तालिका उछल कर जा पहुंचा दोहरे अंक यानी दोहरे अंक की बात करो तो 10 और वही करवाने की बात करो तो 13 है अभी भी साफिया क्लिनिक कारी साहब अपने मेजबान टीम के अंक से तुलना की जाए तो 3 अंक अभी भी दूर है तो तैयार एक बार पांव फिसलना पुनः अपने आप को एकत्रित किया सुव्यवस्थित किया एक बार पुनः पांव फिसलना देखने को मिला और एक अंकों का और इजाफा होता है 11-13
और पूरी टीम धाराशाही दिखाई पड़ी थी। आउट होने के बाद पुनः क्वारंटाइन से बाहर आती हुई सातों डिफेंडर 14-13 तैयार। एक बार मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि साफिया क्लिनिक काली सांस, ऐसा लग रहा था कि काफी अंक पीछे चल रही है, तो अब अंक तालिका की तुलना की जाए तो अपने करवानी टीम से तो तैयार। एक बार सुमित अगली रीन लेकर सेरे सहजादा सेरे जाबाज होटवार क्योंकि ये खिताबी मुकाबला चल रहा है। टीम कैप्टन की काफी उम्मीदें हैं इनके कंधों पर कि शायद पॉइंट अर्जित करके 15-13 लाजवाब मुकाबला चल रहा है। ये फाइनल मुकाबला चलते चलते मैं एक बार और इस टूर्नामेंट को जो लाइव टेलीकास्ट शो कर रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब के जरिए नेशनल स्पोर्ट लाइव जिसके ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर जनाब आरिफ भाई, मैं आपका भी शुक्रिया खैर मकदम कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ और तमाम दर्शकों भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो इस टूर्नामेंट को अपने बुलंदियों की ओर आगे की ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरे रात्रिकालीन में इस टूर्नामेंट में शरीक रहे शिरकत रहे। और मैं तमाम उन दर्शक बंधुओं और खिलाड़ी बंधुओं का भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाया और अपने बुलंदियों की ओर अग्रसर किया। इस टूर्नामेंट को 15-14 अभी भी एक कदम दूर है निजवान प्रधान क्लब करवैनी। एक बार सुमित मैं देख रहा हूँ कि टीम कैप्टन ऑफ साफिया क्लब कारी साथ बार बार दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं सुमित, यानी भरोसा जो कि अब तक भरोसे में पूरी तरह से कायम खड़ी उतरे सुमित अपने टीम कैप्टन के उम्मीदों को नहीं तोड़ा पर फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी 15-14 टाइम आउट साफिया क्लब कारी साथ के जाने से समय भी धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है तो मुकाबला भी हाई वोल्टेज है, दिल को छू जाने वाला ये मुकाबला है। तो शायद दो और ढाई करो या फिर भरो भरो तैयार। एक बार पॉइंट अर्जित करना होगा जर्सी नंबर 4 में। ये देखिए काफी अजीबो गरीबो ढंग से शरीर को पूरी बदन को जगमगाती हुई थी। पॉइंट के भूखे हैं प्यासे हैं शायद अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं और लक्ष्य भेदन करना चाहते थे पर फिलहाल जाल के ऊपरी हिस्सा में जा फंसे और दबोचे थे और अंक तालिका में परिवर्तन होता था। शासन क्लिनिक काली सांस तैयार है। एक बार संदीप रावत 6 डिफेंडरों के बीच में है, काफी तेजी से दूसरे कार्नर पर एयर किक का इस्तेमाल किया, दावा ठोका इन्होंने पॉइंट का और पॉइंट पाने में सफल रहे और एक अंक मिला। चेहरे पे पहले ही साफ मुस्कान झलक रहा था कि इन्होंने दांव ठोका है और पॉइंट अर्जित करने में सफल हुए थे। कामयाबी उनकी कदम चूकती हुई नजर आई और अंपायर भी काफी मुस्तैद थे, अपने खिजाओं को अपने बाजू को खिजा में लहराते हुए दिखाई पड़ी थी। राजबाग और एक अंकों का फाउल साफिया क्लिनिक का निशान है। खिलाड़ी उलझ चुके थे तो यही कह रहे थे ये उलझ कर तेरी जुल्फों पे मैं आबाद हो जाऊं जैसे मैं लखनऊ का अमीन आबाद हो जाऊं। तो लाजवाब बैकअप का नमूना पेश किया तो तैयार है सुमित देवा। 4 डिफेंडर जो कि 3 डिफेंडर करवाने के क्वारंटाइन हो चुके हैं और समय से रहते अपने कोर्ट में वापस हो गए। जैसा कि जानते थे कि गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि समय से ज्यादा मैं उनके कोर्ट में रुका तो टिकल का नमूना पेश कर रहे हैं
साफिया क्रिकेट के तमाम खिलाड़ी बंद हो गए। तो ये एकता काफी सुनहरा सुधीर जी दोनों टीमें जो भी मैं साफिया कारी साहब साफिया के लिए कारी साहब की बात करूं तो पूरी एकता के साथ अपने खेल को शो करते ही नजर आ रही है। तो यानी पहले ही रणनीति इन्होंने बना लिया है कि कैसे अपने खेल को शो करना है और कैसे अपने मेजबान टीम सामने वाली टीम मेजबान मतलब करवाने को समय मात्र 5 मिनट बचे बचे यानी इन 5 मिनटों में और भाई दवा दे दे पट्टी दे दे शायद कुछ चोट आ गई है सर में इनके भाई दवा दे दे उनका उपचार कर दे बलहम पट्टी जो कुछ भी हो दवा वहां तक पहुंचाने उनके खेमे तक कमेटी के सदस्य तो 19-16 तीन मंजिला काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ये तालिका का भला क्यों न हो ये फाइनल मुकाबला है न कि सेमीफाइनल ये फाइनल मुकाबला है। किताबें तक की होड़ लगी हुई है उनका प्यास तो जरूर है तो फिलहाल हद तक आगे निकल चुके थे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था पर फिलहाल से समय मात्र 4 मिनट बचे से इस पूरे मैच को फाइनल मैच को समाप्त होने में तो वही से एक तरफ शाफिया के लिए कारी साहब और वही रिजवान प्रधान क्लब कर मैंने 16 है तो तैयार है मेरे बाप ये देखिए काफी ये फोटो का 19-16 खतरे की घंटी बज रही है तो इस खतरे की घंटी को रोक पाएंगे या नहीं तो बहरहाल ये सीधे सवाल संघर्ष तो जरूर रुक रहा है तो आए थे इतिहास में एयर केस का जरूर इस्तेमाल किया इन्होंने जहाँ से निकलना चाहते थे वही उनको सबूत लिया गया और एक अंकों का और 20-16 चिंताएं थर्ड में काफी चतुराई को रीड कर रहे हैं और जर्सी नंबर 13 है कुछ भी संभव है 20-18 एक तरफ दाएं साइड 20 कर मैं वही कारी साहब साफा के लिए कारी साहब 20 वही 18 है कर मैं एक बार जैसे नंबर पर रेट करके हुए हुए ओ हो हो बोनस के प्रयास के परिचय दे आप लोग
देखिए भाई आप लोग बाहर से जो है फोटिंग करेंगे भाई लोग, आप लोग शांतिपूर्वक बना के मैच का लुत्फ उठाइए। मैंने आपको पहले बताया कि फाइनल मुकाबला है भाई लोग, जैसे आप लोगों ने साथ दिया कमेटी का शुरू से लेके अंत तक, अभी कुछ मिनटों का समय बचा है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना लीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना लीजिए आप लोग। भाई आप लोग दूरी बना ले ग्राउंड से ताकि मैच को पूरा सुचारू रूप से चालू कराया जा सके, आप लोग दूरी बना लीजिए। तो चलिए इतना तो हो जाता रहता है खेल में, बहरहाल शायद जैसे महोदय ने कुछ वार्तालाप करते हुए आप लोग बने रहे।